नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। घघरी में अवैध रूप से बेलगाम बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में 30 वर्षीय राकेश यादव के घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर पर लदे बालू को डंप कर और ट्रैक्टर को छुपा कर चालक भागने में सफल रहा। यह घटना सोमवार की सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। राकेश ने अपने मां के घर शादी समारोह से अपने छोटे भाई संजय यादव के बारात ले जाने की तैयारी में अपने घर पुतुर लौट रहा था, लेकिन राकेश अपने घर पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर पहले सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इस घटना से गांव में सहित उसके परिवार की खुशी मातम में बदल गई। धुरकी थाना क्षेत्र के सगमा प्रखंड अंतर्गत पुतुर गांव निवासी चंद्रिका यादव के 30 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार यादव के दिन सोमवार की अल्हे के समय करीब 5:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां मोटरसाइकिल दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। धुरकी बिलासपुर मुख्य पथ घघरी गांव में SBI ग्राहक सेवा केंद्र के समीप मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने के कारण राकेश यादव की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत। मिली जानकारी के मुताबिक छोटे भाई संजय यादव की आज दिनांक 22 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को छोटे भाई संजय का बारात उत्तर प्रदेश के करहिया गांव में जाना था, लेकिन बारात से पहले बड़े भाई का मौत हो जाता है और मृतक के घर में दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। मृतक के परिजनों ने बताया कि राकेश यादव कदवा गांव से अपने मामा के घर से शादी समारोह में गया था और वह सुबह लौट रहा था। इसी दौरान घघरी पहुंचने पर मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त होकर राकेश की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं इधर मृतक के घर से आज छोटे भाई का बारात निकलना था, लेकिन बारात से पहले घर से अर्थी निकल पड़ी। दुर्घटना होने के बाद जब यहाँ आए तो पता चला कि कोई अज्ञात ट्रैक्टर के द्वारा दुर्घटना कारित किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति मृत हो गया। उसके बाद जब हम लोग आसपास ग्रामीण लोग जो है बताया कि एक ट्रैक्टर है ब्लू रंग का, कोई लाल रंग का, संदेह में दो तरह की बात बताया। उसके बाद पीड़िता की ओर से मृतक के पिताजी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया। आवेदन के पश्चात हम लोग थाना जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिए हैं, और जिस गाड़ी पर उन्होंने शक था वो भी गाड़ी हम लोग लेकर साथ थाना जा रहे हैं। हाँ, गाड़ी देखे थे सर। किसका गाड़ी थी? वो अजय यादव का था, छोटा वाला, उसका लड़का चला रहा था। अजय यादव के लड़के, उसका नाम तो पता नहीं है सर, लेकिन कितना बजे? 5:30 बजे सर। 5:30 बजे? 5:30 बजे सर। फिर गाड़ी उसका किधर गया था? गाड़ी बस ये सामने डैम्प में आया और अपने से पलटा और उधर से पहाड़ के तरफ से गाड़ी लेके अपना निकल गया घर पर। आश्वासन यहाँ पे यही मिला कि बड़ा बाबू द्वारा, उपेंद्र कुमार जी के द्वारा बोला गया कि जो भी होगा उचित मुआवजा और जो भी इसका जो नॉर्म्स है सरकार का 4 लाख के आसपास जो भी मुआवजा होता है ना, हाँ वो जो है अपना जो है मुआवजा के जो है ना मुआवजा उनको जो है दिया जाएगा। ये पुलिस जो है बड़े बाबू का कहना है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो है आए दिन जो है अवैध खनन, रात दिन, रात का, शाम का सुबह 6 बजे से रात सुबह 8 से 10 बजे तक जो है धड़ल्ले से जो अवैध उत्खनन यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि सीओ, दोनों सीओ, धुरकी सीओ हो गया, सगमा सीओ हो गया, दोनों के जानकारी में ब्लॉक के गेट से बालू पार हो रहा है। आए दिन जो है लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज जो है मेरे ही घर में मेरे मामा का जो है दामाद यहाँ पे एक्सीडेंट घघरी में करके और मर गया। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर आप आए और यहाँ पर मांग पत्र आपको सौंपा गया। थाना प्रभारी को भी बुला लेते ना? अच्छा चला, वो भी बोलते हैं नियम संगत मांग पर कार्रवाई की जाएगी जी, और इनकी मांग जो भी है आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो मांग पत्र आपको मिला है उस मांग पत्र को अनुसार मांग इन लोग का मिलेगा, मांग आगे बढ़ाएंगे उपायुक्त महोदय। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN24।